कांग्रेस की माताजी जो है, माताजी श्रीमती सोनिया गांधी भी एक्टिव है पीछे से, या संदीप जी आपके पास जो रणनीति बनाना, तो अमित शाह एक्टिव हो रहे हैं तो इसमें बवाल क्यों है। ठीक है, एके मिश्रा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। एके मिश्रा जी, जिस तरह से अमित शाह की एंट्री होने वाली है, इस एंट्री के क्या दूरगामी परिणाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल सकते हैं? देखिए, चेंज हमेशा होता रहता है, इसलिए अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते हैं तो 5 साल जहाँ पे शासन हो गया है तो स्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां बहुत बदल जाती है, समीकरण भी बदल जाते हैं, वोटों के जो डिमांड होते हैं या इच्छाएं होती है वो भी बदल जाती है, और कार्य जो करने होते हैं सरकार को नेक्स्ट जो है सेशन में वो भी बदल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कार्य पूरे हो चुके होते हैं, और यही चीज लागू होती है विपक्ष पे कि उनको भी अपनी रणनीति बनानी पड़ती है। सबसे जो बात इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अब की बार विपक्ष जो है बड़ा आशान्वित दिख रहा है। खैर, मेरी शुभकामनाएं सभी को है। सबसे मजेदार बात मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि शायद ममता बनर्जी की भी एंट्री यूपी में हो रही है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। उससे भी जबरदस्त चीज मैं ये देख रहा हूँ कि एक गैर राजनीतिक संगठन है भारतीय किसान यूनियन टिकैत साहब का, वो बंगाल में भी एक्टिव हो गए थे, ना उनको चुनाव लड़ना है, और यूपी में वो अभी से एक्टिव हो रहे हैं। तो वो अमित शाह जी एक्टिव हो रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? अखिलेश यादव एक्टिव हो रहे हैं, पिताश्री भीष्म पितामह माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी है दिशा निर्देश दे रहे हैं, उसके बाद मायावती जी अगर एक्टिव हो रही है संदीप जी सुन लीजिए और सुन रहे हैं कि प्रियंका दीदी भी एकदम एक्टिव हो गई है, राहुल गांधी भी एक्टिव है, कांग्रेस की माताजी जो है, माताजी श्रीमती सोनिया गांधी भी एक्टिव है पीछे से, या संदीप जी आपके पास आऊंगा जो रणनीति बनाना, तो अमित शाह एक्टिव हो रहे हैं तो इसमें बवाल क्यों है? ठीक है, चुनाव हार होगा या जीत होगा वो राज्य की जनता तय करेगी, लेकिन किसी के एक्टिव होने पे इतना हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत? जिसके पास जो बेस्ट चीज होगा, बेस्ट टैलेंट होगा, वो अपना उतारेगा, सबको छूट है, आप भी उतारिए। ठीक है, एके मिश्रा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। एके मिश्रा जी, जिस तरह से बीजेपी को ये उम्मीद है और ये मानना है लगातार काफी लंबे सालों से कि अगर अमित शाह की एंट्री होती है तो पूरी तरह से जीत की गारंटी बन जाती है, लेकिन विपक्ष इस बार बहुत ही आश्वस्त सा दिखाई दे रहा है। लगातार दलों का ये कहना है कि अगर अमित शाह आते हैं तो इससे बीजेपी को नुकसान होगा और हमको इससे फायदा हो जाएगा। देखिए, मैंने शुरू में ही बोला था केवल बीजेपी ही नहीं, सारी पार्टी को लोग बड़े उत्साहित है, क्योंकि ये एक मिनी इंडिया का इलेक्शन होता है। विपक्ष जैसा बार बार बोल रहा है कि अमित शाह के आने से कोई जो है चेंज नहीं होगा, बीजेपी भी तो यही चाहती है। बीजेपी थोड़ी चाहती है कि चुनावों के नतीजों में कोई चेंज हो, वो तो चाहती है कि जो नतीजे आज की डेट में है, जितनी सीट है मिनिमम, वो बने रहे। बीजेपी वाले यहाँ चेंज करने के लिए थोड़ी आ रहे हैं, बीजेपी वाले होल्ड करने के लिए आ रहे हैं। चेंज अगर करना है तो विपक्ष के नेताओं को करना है, और जिस हिसाब से ये लोग इतना लाइटली ले रहे हैं ये बोल करके, जिस आदमी ने कई चुनाव जिताए हों, एकदम विपरीत परिस्थिति में चुनाव जो है जिताए हों, जहां पे 2 सीटों से जिस आदमी ने पूरी मेजोरिटी बना दी हो, तो अब इसको क्या बोलेंगे? इसको ये बोलेंगे कि शुतुरमुर्ग की तरह आप रेत में जो है अपना सर गाड़ लेते हैं, तो इसका मतलब है चुनौतियां समाप्त नहीं हो जाती हैं। आपको चाहिए कि अगर अमित शाह आ रहे हैं तो आप एक डिफरेंट वे से एनालिसिस करिए, रणनीति बनाइए, क्योंकि किसी भी नए नेता या नायक के आने से परिस्थितियां बहुत चेंज हो जाती है। इस फैक्टर पे आप न सोच के, बल्कि आप अपने आप को सेल्फ कंसोल कर रहे हैं कि जी हम जैसे हैं, ये लोग बोल भी रहे हैं कि हमारी रणनीति में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, सिचुएशन में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। अरे साहब, 5 सालों में बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो गई हैं उत्तर प्रदेश में, मुद्दे बदल गए हैं, जनता की डिमांड बदल गई है, चुनौतियां बदल गई हैं, और राजनीतिक तारतम्य बदल गए हैं। तो इस बदले हुए सिचुएशन में अगर आप अपने आप को न बदले और 15 साल पहले वाला बना के रखें, तो नुकसान किसको होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। मैंने तो शुरू में ही बोला मेरी शुभकामनाएं सबको है, वाइड होकर के थोड़ा ओपन माइंडेड होकर सोचिए, हो सकता है विपक्ष को लगे कि किसी भी एक नए प्लेयर के आ जाने से बहुत सारे चुनावी चुनौतियां बदल जाती हैं, तो आपकी रणनीति को भी बदलना चाहिए। तो हल्के में अगर ये ले रहे हैं तो हम और आप तो कुछ बोल नहीं सकते, इनको लेने दीजिए। संदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जैसे अभी आप कह रहे हैं, हमने एक मिश्रा जी से बड़ी विनम्रता के साथ, हमसे बड़े हैं, मैं हो सकता है मुझे ना पता हो, मैं सिर्फ, तो आपका विश्लेषण यहाँ पर यह है कि अगर अमित शाह आते हैं तो उससे बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है। एके मिश्रा जी, आप यहाँ पर कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? ये सारे चुनावी मुद्दे इन लोगों के लिए हो सकते हैं, लेकिन मैं फिर अब अगर 1-to-1 जवाब देना है तो मैं बोलूंगा, भाई
जिस पार्टी ने हॉस्पिटल के सारे बेड एडवांस में जो है बुक करा लिए हैं, तो जनता के पास ये खबर नहीं है। जिस पार्टी सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप चीजों को ओपन होके प्रशांत किशोर को फिर लेकर आइए, याद है ना वो। तो जनता बहुत सारी चीजों को, मेरे कहने का मतलब ये है, इतना लाइटली लेके निश्चिंत होके मत बैठिए। यूपी का चुनाव इतना सिंपल चुनाव नहीं होता है। 2500 तो नई पार्टियां आ रही है, निशान पार्टियां आ रही है, भाजपा आ रही है। आप ये मान के बैठ गए कि हम तो जीत गए हैं, कोई भी आए। अगर आप ये मान रहे हैं कि हम तो जीत गए हैं, तो आपको तो डिबेट में भी आने की जरूरत नहीं है। आप सीधे विजय जुलूस निकालिएगा, प्रचार करने भी मत जाइए, हम अपने आप को जनता के बीच मान रहे हैं, हम अपने आप को जनता के बीच में मान रहे हैं। जनता के बीच में तो बीजेपी भी जाएगी ना, कांग्रेस भी जाएगी। नहीं नहीं, इससे पहले भी जनता के बीच में अपने आप को दिखाती थी। जीते हुए तो आप पिछले 10 सालों से जनता के बीच में अपने आप को दिखा रही है। समाजवादी पार्टी जनता पे भरोसा करती है, जनता के बीच रहने में भरोसा करती है। तो जनता के बीच में तो सारी पार्टियां जाएंगी ना सुमैया जी। सुमैया जी, बात यहाँ पर मैनेजमेंट की है, देखिए बात यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की। एक सेकंड मिश्रा जी, मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुमैया जी, जिस करती है, किसको नकारती है, ये आने वाला वक्त पूरी तरीके से बता दे। ये सुर क्यों बदल गया आपके अभी? अरे मेरे सुर, मेरे सुर शुरू से यही थे और आज भी यही। और बोल रही थी अभी, फिर वही बोलने लगी। मैंने क्या बोला? बंद पोटली के साथ। अरे बंद पोटली का राजनीति में कोई वो नहीं है, कोई गुपचुप समझौता करना है क्या? बंद पोटली यहाँ मैं बोल रहा हूँ, अपने ध्यान से आप बताइए। नहीं ठीक है, जनता सब कुछ जानती है, जनता सब कुछ जानती है, और इसीलिए प्राइम न्यूज भी लगातार अब इन मुद्दों को धीरे धीरे उकेरता जा रहा। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो अपने आप जीत गई है, उसमें कोई दोहरा नहीं है। जनता इसलिए आप सुन लीजिए, उनकी बात आ जाने दीजिए।